नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ट्रेड बुल ऑफिशियल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल निफ्टी 50 7 अक्टूबर के दिन कहां पे कामकाज कर सकता है, आपके कॉल पुट के क्या टारगेट रहेंगे। बट उससे पहले देखते हैं मार्केट ने आज कहां पे कामकाज किया। दोस्तों, मार्केट ने हमें आज एक बहुत ही अच्छा गैपअप दिया 17,380 लेवल के आसपास। ओपन होते ही दोस्तों मार्केट ने ये पहली ही कैंडल, अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ बहुत ही अच्छी ऊपर 17,430 के लेवल के आसपास टच की, और ओपन होते ही मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखा गया। पहले ही अगर आप आधे घंटे में देखेंगे, मार्केट के अंदर काफी वॉलिटिलिटी थी। यहाँ 17,350 का लेवल मार्केट ने टच किया, 100 पॉइंट की गिरावट आप देख सकते हो सीधा सीधा निफ्टी के अंदर पहले ही 40 मिनट में आपको नजर आ गई। इसके बाद दोस्तों मार्केट ने फिर वापस एक पुल बैक लेने की कोशिश की। पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने फिर यहाँ हल्की हल्की यहाँ पर मूवमेंट्स हमें दिखाई, और तकरीबन 11 बजे के आसपास निफ्टी ने फिर एक अच्छा मूव नीचे की तरफ दिखाया। लो हमने यहाँ पर 17,340 का लगा दिया, और इसके बाद यहाँ पर मार्केट ने काफी टाइम एक कंसोलिडेशन मोड में निकाला, और उसके बाद 12:30 बजे फिर मार्केट ने हमें ऊपर की तरफ एक यहाँ मूव दिखाया। अब दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट ने निफ्टी में आपको, अगर आप नोटिस करेंगे, यहां कंसोलिडेट करवाया, इसके बाद इस पीरियड में आज कंसोलिडेशन करवाई। ये कंसोलिडेशन का पीरियड होता है। कंसोलिडेशन के बाद जब भी मार्केट जाती है, एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। काफी देर कंसोलिडेशन में रहने के बाद जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया निफ्टी में, तो हमें अच्छे पॉइंट देखने को मिले। क्लोजिंग हमें यहाँ पे 17,331.80 पर मिली है। अब कल क्या हो सकता है दोस्तों, ग्लोबल सिनेरियो की अगर बात करें तो इस टाइम पर डाउ जोन्स तकरीबन यहाँ -200 अंक के साथ है, और अगर आप नैस्टैक की बात करें तो वो इस टाइम पर -50 अंक के आसपास चल रही है। तो यहां से कहीं ना कहीं आपको हल्का फुल्का एक गैप डाउन कल देखने को मार्केट में मिल सकता है। अराउंड यहां पर मार्केट अपना पूरा गैप यहां पर फिल करने आ सकती है 17,269 इस लेवल के आसपास। आप निफ्टी में गैप डाउन देख सकते हो 50-60 अंकों का, मतलब 50-60 पॉइंट्स के आसपास आप यहां पे गैप डाउन निफ्टी 50 में एक्सपेक्ट कर सकते हो। मार्केट अपना पूरा गैप फिल करेगी। दोस्तों, इस गैप को फिल करते ही अगर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करती है, मतलब 17,269 के नीचे अगर जाती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर फिर हम पुट बनाना पसंद करेंगे, और जो टारगेट्स आपके होंगे वो पहला टारगेट होगा 17,225 का, और दूसरा 17,200 का इंट्राडे में। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन देने के बाद 17,269 के बाद ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो कॉल की पोजीशन तब तक नहीं लेनी जब तक कि आपका प्रीवियस क्लोजिंग 17,331 को ऊपर निकल के मार्केट नहीं जाती, तब तक आप कॉल की पोजीशन में नहीं बैठेंगे। अगर मार्केट 17,331 को क्रॉस करने की कोशिश करती है, तो हम यहाँ पर ऊपर कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं, और आपका जो टारगेट होगा वो 17,375 और 17,400 तक के रह सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, मार्केट के अंदर ये एक गैप एरिया है, और मार्केट में ये गैप कल फिल हो सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज उसके अंदर जो भी मैं वीडियो लेके आता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। लाइव स्ट्रीम को देखते रहें, बिकॉज उसके अंदर जो मैं लेवल्स मार्क करता हूँ उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड बाय।